आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बाहुबली का पंडाल तक का बना था। तो ममता जी का सर्कुलर के हिसाब से एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है कि हेलो दोस्तों, दुर्गा पूजा का आपको बहुत सारा शुभकामनाएं। और आज है सप्तमी का दिन और अभी मैं आया हूँ यहाँ दुर्गापुर में। तो आपको मैं पूरा खुद पंडाल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दुर्गापुर में, जितने सारे पंडाल हैं, जो जो फेमस पंडाल्स है यहाँ पे, जहाँ भी बनती है, जैसे हो गए मारकोनी, फुलझौर, कुछ बेना सिटी में, कुछ गोपाल मार्ट में, तो सब कुछ मैं पंडाल में आपको दिखाऊंगा। और आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए एक्सप्लोर करते हैं पंडाल। दोस्तों अभी मैं आया हूँ फुलझौर में, आप पंडाल है, काफ़ी अच्छा पंडाल है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं आपको जितना आता है उतना मैं समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर फैमिली वगैरह है, यहाँ पर कुछ हजबेंड वाइफ है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पर फ्लोर व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं मारकोनी में और यहां का पंडाल में अब मैं आपको दिखाऊंगा। यहां का थीम बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहां पूरा हंडी से बनाया गया है, मतलब मिट्टी की हंडी होती है ना, वो उसी से पूरा यहां पे बनाया गया है। चलिए मैं आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों ममता जी का सर्कुलर के हिसाब से एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है कि मूर्ति जो है वो बाहर से दिखना चाहिए, पंडाल भी बस वैसे बाहर से होना चाहिए, जैसे लोग का भीड़ ना हो और कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो हो जाए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पंडाल की। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फुल थीम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा थीम है। और यहाँ पर मारकोनी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ एक इनोवेटिव मूर्ति देखने को मिलता है, ये पंडाल देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ डिफरेंट है, और जिस हिसाब से हर साल बड़ा होता है उस बार इस बार उतना बड़ा। दोस्तों अभी मैं हूँ बेंगोल अम्बुजा, जो कि सिटी सेंटर के नज़दीक ही पड़ता है। और यहाँ का पंडाल में देखते हैं, यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा अच्छा पंडाल बनता है। एक साल मेरे को याद है कि गिटार का पंडाल बना था, फूल जो था फूल गिटार था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उसके बाद भी बहुत ही अच्छा बना था। इस बार थोड़ा पंडाल थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा अच्छा इनोवेटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर सारे प्लास्टिक वगैरह जितने भी है वेस्टेज प्रोडक्ट उसे यूज किया गया है, जो कि एक अच्छा इंडिकेट करता है कि यार आप ज़्यादा खर्चा ना करो, कुछ इनोवेटिव करो, जो है आपके पास उसी से यूज करो। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ का थीम। और चलिए अच्छे से देखते हैं सारा व्यू। दोस्तों अभी मैं आया हूँ बिरंगी पे, और इधर साइड में ही पंडाल है, पूजा पंडाल है। और जैसे मुझे बगल में इधर स्ट्रीट गुजर रहा था, तो देखा कि यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम दिख रहा है, जिसका नाम है बंगाली में बोलते हैं गोट बेल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है और कैसा इंटरेस्टिंग आइटम है, खा के तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर और एक बार बनवाते हैं और एक बार खाते हैं। बिहार मिलता है, जैसे कलकत्ता इधर मिलता है, ये अभी आप माल खाते हैं कलकत्ता का है, ये क्या आप रेगुलर सेल करते हैं? हाँ रेगुलर। चलिए हमारे लिए बना दिए, कॉपी बना कैसे चलिए देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। अंकल जी ये मेरा बनने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा बहुत बेल थोड़े। हाँ थोड़े थोड़े
ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बेल टाइप का ही है, पर ये थोड़ा ब्लैक टाइप में है, हल्का ब्राउन टाइप में है। इसमें क्या क्या देते हैं अंकल? इसमें जीरा मसाला है, लंगा गुड़ी है, चीनी है, हल्का चीनी भी जाता है, तेतुल है, इमली का पानी है, इमली के पानी, आम के तेल, आम का तेल है, अचार का तेल है, अभी भी लगा काला नमक है, एक कासुंदी है, एक कासुंदी है, आप चाहो तो इसमें मिर्च भी डलवा सकते हो अपने झाल के अकॉर्डिंग। मैं नहीं डलवाया हूँ क्योंकि मैं अभी खाया था तो मुझे बहुत ज्यादा स्पाइसी लगा। और ये आप देख सकते हो इसी में ही सर्व किया जाता है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ भिरंगी में और आपको पता ही है कि भिरंगी में बहुत बड़ा मेला लगता है और काफी ज्यादा फेमस है का मेला, पर इस बार मुझे मेला देखने को नहीं मिला। पूरी सुनसान टाइप का है और मैदान आपके सामने आप देख सकते हो। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बाहुबली का पंडाल तक का बना था और पिछले साल एक बहुत ही शानदार पंडाल बना था। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं इस बार का पंडाल कैसा है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का पंडाल काफी ज्यादा अच्छा लगा। वाओ बहुत ही ज्यादा अच्छा पंडाल यहाँ पे बना है, तो आप यहाँ पे जरूर से जरूर आए। বাকি গেলে তো ছোট আছে यहाँ का आप एम्बियंस देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा ऑसम है। सराउंडिंग में बहुत ही अच्छा स्कल्पचर का काम हुआ है यहाँ पे। दुर्गापुर के एरिया में इंडियन एथनिक कल्चर को यहाँ पे अच्छे से दर्शाता है और काफी अच्छा यहाँ पे मूर्ति है। आप यहाँ पर बहुत सही लगता है यहाँ का और सब सराउंडिंग बहुत सही है। आप यहाँ पे आप जरूर से जरूर आएंगे। ये है हमारा लास्ट पंडाल गोपाल मठ का पूजा पंडाल और इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा टूर अच्छा लगा हो।
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को जोरदार लाइक दे दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और कोई भी क्वारी हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं आपको मिलूंगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।